तुझे राम मिलेगा, तुझे श्याम मिलेगा, पर घूंघट का पति घूंघट कहे आगे पर्दो आ जावे। एक संत लिखिए के नर गफलत में काई सोगो रे, ओढ़ ब्रह्म को भाग लियो। तू आगे भागला को कोई कम्बल को कोई तू चद्दर को घूंघट लेकर के फिरे लो तो तन काई दिखे कौन। यान इस अज्ञान अविद्या रूपी पर्दा के कारण वो परमात्मा अद्वैत है लेकिन हमें द्वैत करके वास्ता है। अरे तू सत्संगत में पल नहीं बैठे, मूर्ख डोले मन में ऐठे, जो जो पाप घनेरा चटे। अरे कियो न माने कोई रे, नरका में घोड़ो हाँक लियो, नर गफलत में काई सोगो रे, तू ओढ़ ब्रह्म को भाग लियो। स्वार्थ का दसों दिस भटके, ऊट सवारे जावे झटके, और पुनकी बेले पीसो खटके, तू सांझ पड़िया गयो सोई रे, बिरता फाड़िया बाक लियो, नर गाफिल होए काई सोगो रे, तू ओढ़ ब्रह्म को। कूट कपट में राजी बाजी, बात बढ़ावे ताजी, अरे जन्म देत नहीं जननी लाजी, अरे लालो लालो कर मात चोड़ी होगी रे, छिद्दी होगी रे, लालो गाड़ो कालो निकल गो रे। जन्म देत नहीं जननी लाजी, तू रतन जन्म दियो खोई रे, तू जहर हलाल चाक लियो, नर गफलत में काई सोगो रे, ओढ़ ब्रह्म को भाक लियो। हरी भजन बिन पशु है साखी, सींग पूछ पूड़ो नहीं टाकी, अरे तीन चीज फेरियो है बाकी, अरे खूटो न बंधनो कोई रे, मुंडा के कोन खख लियो, तने खूटा के कोन बांधियो, अरे थारा मुंडा के सामने ठाड़ में खाक लो कोनो, और तू जान ब्रह्म थार कहीं पर गई। दाना राम समझावे प्यारा, अरे हरिजी लेका लेसी सारा, अरे होड़ जीव चिपजासी थारा, वो सीधो सन्मुख जोई रहे, तू किया बतासी नाकलियो, अरे तू नाक किया दिखाओ लो, तू किया बतासी नाकलियो, नर गफलत में कहीं सोगो रे, ओढ़ ब्रह्म को भाग लियो। तो गोपियों को भ्रम हो गया, और भ्रम होने से भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और जैसे भगवान अंतर्ध्यान अदृश्य हुए, या मानो कि ज्ञान कोई तोरण पीरती टाइम, तोरण मारती टाइम लाइट चली जाए, एकदम गोपिया सुनी होगी और सुस्त होगी, और भगवान भगवान परमात्मा श्याम 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 प्रीतम प्रीतम करती करती विलाप करने लगी, वृक्षों से पूछने लगी, लताओं से पूछने लगी, हिरणियों से पूछने लगी, ए हिरणी ए मृगनेनी, क्या तूने उस श्याम को देखा है, तेरी जैसी आग वाला था। पशुओं से पूछने लगी, मृगियों से पूछने लगी, हिरण से पूछने लगी, हे हिरण वो तेरी जैसी डगार वाला था। पक्षियों से पूछने लगी, लताओं से पूछने लगी, पत्थरों से पूछने लगी, और एक एक कुंज गली में जा जा करके विलाप करने लगी, हे भगवान कहाँ गए आप, कहाँ गए हे प्रभु कहाँ गए। भगवान का जब वियोग होता है, प्रीतम का जब मिलने के बाद वियोग होता है, स्वजन का मिलने के बाद जब वियोग होता है, आप सब जानो कि माता पिता ने छोड़ करके जब बेटी ने ससुराल के लिए पहली बार बिठावे डोली में, तो पिताजी बिठावे जी टाइम में, आप लोग देखा वाला कि इकलो तो बेटो कोई को मर जाए तो बाप अतो कौन रोए, और आपकी छाती पर भाटो रखे, आपकी छाती पर पत्थर रख ले और आसमान पी जाए, और परिवार का ने समझा दे के होड़ार ऐसी अपने आंसुओं को पी जाता है, अपने हृदय पर अपन छाती पर पत्थर रख लेता है, लेकिन वही बाप जब अपनी बिटिया को ससुराल के लिए शादी में पहली बार डोली में बिठाता है, चाहे वो जिंदगी में कदे भी हंसो नहीं हो लो, चाहे कभी मुस्कुराया नहीं होगा,
चाहे वो किसी फौज का बड़ा अफसर होगा, चाहे किसी मेडिकल का बड़ा डॉक्टर होगा, चाहे वो कोई बड़ा राजनेता होगा या कोई बड़ा धर्मात्मा होगा या कोई बहुत बड़ा कोई धनाढ्य होगा या गरीब होगा, लेकिन वही बाप जब बेटी डोली में बैठती है तो उसी के पल्ले में मुंह दे दे करके ऐसे रोता है जैसे कोई कोई बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। वही पिता अपने बेटी को विदा करते वक्त ऐसे रोता है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत संबंध है, लेकिन परमात्मा ने एक बाप और बेटी का जो संबंध बनाया है ये भी एक महान पवित्र संबंध है। बाप और बेटी का जो संबंध है पवित्र संबंध है। और वो क्यों रोता है? और जब वो बाप जब रोता है तो आप देखना कि घर की ईंट ईंट रोना शुरू हो जाती है, पेड़ रोना शुरू हो जाते हैं, पक्षी रोना, पशु रोना शुरू कर देते हैं, जमीन वहां की थोड़ी सी उदासीन दिखना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पक्षी, पेड़ पौधे, ईंट पत्थर ये सब जानते हैं कि आज हमारी लाडली इस घर से विदा हो गई। और तो और आप देखना, आप देखते हैं कि जब बाप रोता है बेटी के लिए तो बरातियों के रुमाल निकल आते हैं, बराती अपना रुमाल निकाल करके बराती रोना शुरू हो जाते हैं। और वो बराती ऐसा सोचते हैं कि आज इस बाप को रुलाया है इस बेटी ने, कल मेरी बेटी मेरे को भी ऐसे ही रुलाई। बराती रोना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहनों, इस पूरे परिवार को बाप पालता है, पूरे परिवार को पिताजी पालते हैं, पोसते हैं, लेकिन पिताजी को बेटी पालती है। वो ससुराल में बैठी बैठी अपने बाप का, अपने पिता का पूरा ख्याल रखती है। रहती ससुराल में है, लेकिन ससुराल में रहती रहती अपने पिता का वो इतना ख्याल रखती है, इतना ख्याल रखती है कि वो स्वयं का ख्याल भी नहीं रखती है। और आप देखना, किसी की मां मर जाए तो बेटी रोती तो है, किसी की मां संसार छोड़ के चली जाए तो बेटी रोती तो है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है और अपने हृदय में धारण कर लेती है, हृदय में धैर्य धारण कर लेती है और ऐसा सोचती है कि अभी तो पापा है ना, लेकिन किसी बेटी को यह जब पता लगे कि मेरा बाप दुनिया छोड़ के चला गया तो आप देखना कि वो बेटी सबसे पहले घर के मुख्य चौखट पर फछाड़ खाकर के गिरेगी और वो इतनी रोएगी, इतनी रोएगी, इतनी रोएगी, वो सोचती है अब मेरा इस घर का दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया है। माँ है लेकिन माँ तो भाई भाभी के अधीन हो जाती है, जब तक पिता है तब तक बेटी का अधिकार घर में है, लेकिन जब पिता संसार छोड़ के चले जाते हैं तो माँ तो भैया और भाभी का अधीन हो जाती है। अब भैया भाभी का क्या भरोसा, कैसे हो? इसलिए इस ग्रस्त आश्रम में पिता और पुत्र का भी एक बड़ा ही अद्भुत एक संबंध है। और जब भगवान
अदृश्य हो गए। गोपियां रोने लगी और गोपियों को चैन नहीं आ रहा है और गोपियां रो रो के कहती है, छोड़ के ना जा मोनी नगरी, ओ मेरे भरतार, रो रो मैं तो कह रही तू रुक जा शाम हमार। साची प्रीति लगाई के तू दूर जैसी मत जा, रो रो मीरा कह रहे तू रुक जा शाम हमार। दीवन 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 हो मीरा से मत जावत।
भगवान से कहने लगी, हे प्रभु आप हमको पहले तो बकरी की तरह पाला और खिलाया पिलाया, फिर कसाई को बेच दी। हमारी ऐसी दुर्दशा पर आपको क्या दया नहीं आती? हे भगवान माफ कर दो, हम लहरें थी लेकिन हमने अपने आप को सागर मान लिया और सागर मान करके अभिमान में हम जो है घमंड में हम चूर हो गई, इसलिए आप हमें माफ कर दो। अब हमें मालूम पड़ा है कि सागर तो भगवान आप ही हो, हम तो लहर थी, हमें माफ कर दो। गोपियां ब्रह अग्नि में जल रही है और कहते हैं कि जिस प्रकार से पतिव्रता पति के लिए अपने प्रीतम के लिए इंतजार करती है, निर्धन आदमी धन का इंतजार करता है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, जैसे कोई माँ अपने पुत्र के लिए तरसती है, जैसे कोई सर्प मणिधारी सर्प हो और उसका मणि गिर जाए गम जाए और वो मणि के लिए दुखी होता है, जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ता है लेकिन उसका उड़ते का पंख कट जाए और वो फिर दुखी होता है, इसी प्रकार से जैसे सिंह बिना बनी के दुखी होता है, जैसे सूरवीर बिना मोर्चा के दुखी होता है, ऐसे ही आज ये गोपियां परमात्मा के बिना दुखी है, शोक है। स्वामी जी ने एक पद में लिखा है कि इकटक लागी पंथ निहारूं, न कोई घड़ी
अरु पलक बिसारू बिन दर्शन भई परेशान दे होए करस रही मन दर्शन दो घनश्याम अखियां तरस रही दर्शन दो भगवान अखियां तरस रही पल पल आपकी एक खान पान मुझको नहीं भावे दिन अरुरेन नींद नहीं आवे मारा करसी कूच प्राण यूं मोय दर्स रही माने दर्शन दो भगवान अखियां तरस रही पल पल आपको प्रेम सतावे अरे भर भर हिवड़ो नैन उरलावे मारे बरसे नैन जल आन जू घन बरस रही मन दर्शन दो भगवान अखियां तरस रही निर्भय पुरी के सतगुरु स्वामी अर्ज सुनो मेरी अंतर्यामी मन आए मिलो भगवान प्रेम मोए गरस रही मोए दर्शन दो भगवान अखियां तरस रही। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है सखी वो मन भायो ये मदन गोपाल वृंदावन के माई हरी मधुरी बेन बजाई सब मस्त भये मुनि राई ये सुनकर धोनी विशाल सखी वो मन भायो ये मदन गोपाल श्याम सुंदर प्यारा करे प्रेम का इशारा दिल ले लिया हमारा ये मैं हो रही बेहाल सखी वो मन भायो ये मदन गोपाल अरे सुरत हरी की प्यारी मैं निरखत निरखत हारी सुरत हरी की प्यारी निरखत निरखत हारी मैं भूल गई सुत साई ये नैन बचो नंदलाल मैं भूल गई सुत साई ये नैन बचो नंदलाल सखी वो मन भायो ये मदन गोपाल मदन गोपाल हो संदेशी रोल
लागे लगी ये दीवारी गोपन मन दीना जारी के रचैया की जय हो बंसी के बजैया की जय हो जय 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 श्री राधे।